नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मेरे न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, हम लोग का जो DI सिग्नल होता है, डिजिटल इनपुट सिग्नल जो होता है हमारे DCS में, वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसका कम्युनिकेशन होता है, कैसे हमारा फीडबैक आता है जो DI होता है। DI का मतलब होता है डिजिटल इनपुट। जो हमारा फील्ड में कोई भी वॉल है, कोई भी फीडबैक है, मतलब वॉल का, वो कैसे आता है कि वो ओपन है, क्लोज है, कोई भी लिमिट स्विच है, कोई प्रेशर स्विच है, वो सारे के सारे DI में आते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि DI क्या होता है, DO क्या होता है, AI क्या होता है, AO क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो पर स्टार्ट करता हूँ और फटाफट से आपको स्टेप बाई स्टेप एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपको A to Z कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। और अगर वीडियो ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये AVP का हमारा DCS है और यहाँ पे हमारे ये DI कार्ड लगा हुआ है। DI कार्ड है DI 810, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो जो आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है, मतलब वहाँ पे फीडबैक आ रहा है, मतलब हमारा ये DI हेल्दी हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ से फीडबैक आ रहा है, जैसे 6 नंबर चैनल, 7 नंबर, 10, 15, 16। तो हमारे DI कार्ड्स में टोटल 16 चैनल का ये कार्ड्स होता है दोस्तों। और जो हमारा AI होता है वो 8 चैनल का कार्ड होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में ये ज़रूर पूछा जाता है आपसे कि AI आपका जो कार्ड्स होता है उसमें कितने चैनल होते हैं और DI में कितने होते हैं, AO में कितने होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ लगे हाथ, ठीक है। AI में आप देख सकते हैं कि 8 चैनल होता है और DO में मैं दिखा देता हूँ, DO में आपके 16 चैनल होते हैं। ये आपका DO कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी 16 चैनल होते हैं। और AO में आपको दिखा देता हूँ, AO में आपके 8 चैनल होते हैं। ये हमारा AO का कार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 16 चैनल हैं, तो यहाँ पे 16 वायर लगे हुए हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पावर सप्लाई आती है, यहाँ पे अगर बाय चांस एक फेल हो जाता है, तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने पावर सप्लाई को डिटेल में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कैसे AI कार्ड्स का कैसे लूपिंग होता है DCS के थ्रू, कैसे हमारा ट्रांसमीटर में जाता है, वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आप वो देख लीजिएगा तो आपको पावर सप्लाई भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 पावर सप्लाई आती हैं, ठीक है। ये +24 वोल्ट DC हो गया और इसके बैक साइड में यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपका एक फेल हो जाता है तो एक से काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 16 चैनल हैं, तो यहाँ पे 16 वायर लगे हुए हैं। बैक साइड में B1, B2, B3 से लेके B8 तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर है आपका C1, C2 से लेके C8 तक है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो चलिए बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे फील्ड साइड जो जाते हैं वायर, और फील्ड से कैसे हमारा वहाँ से फीडबैक आता है, ठीक है। तो वो मैं आपको चलिए बैक साइड में दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा DI TV02 है, ठीक है। कोई भी TV आप ले लीजिए, जो DI लिखा है, मतलब डिजिटल इनपुट वाला TV है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 16 तक हमारा जो है ये चैनल है, 16 चैनल है, मतलब 32 वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे 1 ये हो गया तो 2 बैक साइड का हो गया, 3 ऊपर वाला हो गया तो 4 बैक साइड का हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए हमारे जो भी कार्ड्स हैं, AI कार्ड्स या DO कार्ड्स, DI कार्ड्स, वो सारे के सारे 24 वोल्ट DC पावर पे ऑपरेटेड है, ठीक है। उनको 24 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 24 वोल्ट DC सप्लाई यहाँ पे दे दिया और नीचे साइड में, इसी में नीचे साइड में भी दे दिया यहाँ पे 24 वोल्ट DC सप्लाई, कि बाई चांस अगर आपका एक फेल हो जाता है तो दूसरा से चलता रहेगा। और ये सारे के सारे वायर आपके लूप है, ठीक है, ये सारे के सारे लूपिंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो है 24 वोल्ट आएगा और यहाँ से हमारा फील्ड में जाएगा, जो भी आप फील्ड में इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लगा हुआ है DZSO, मतलब किसी का ये ओपन फीडबैक के लिए लगा हुआ है, और ZSC मतलब क्लोज के लिए है। तो अगर आप ओपन के लिए लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे ओपन में आपने यहाँ मान लीजिए फील्ड में NO पे लगा दिया, ठीक है। कोई भी लिमिट स्विच है, कोई भी वॉल का
का फीडबैक के लिए आपने एनओ पे वहाँ कनेक्शन कर दिया, वहाँ लेडी स्विच लगे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही वहाँ पे आपका वॉल क्लोज होगा तो वो क्या करेगा, जो एनओ में आपने लगा रखा है वो एनसी हो जाएगा, मतलब रिटर्न में वहाँ से 24 वोल्ट आपको आने लगेगा। तो 24 वोल्ट कहाँ आएगा, ये बैक साइड में जो वायर लगा हुआ है यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस वाले वायर में आएगा, और ये वायर यहाँ से हमारे कार्ड्स में चला जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर हमारे जो चैनल है वहाँ पे मिलने लगेगा, इसी तरीके से दो नंबर चैनल, तीन नंबर चैनल, और ये सारे के सारे 16 नंबर चैनल तक इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।